नमस्कार। सबसे पहले तो गोरखपुर की गणमान्य जनता को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। मैं बाबा गोरखनाथ की इस नगरी में आपने जो प्यार दिया, आपने जो मान दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आप जानते हैं मैं यहां आया हूं आपकी इस नगरी के हीरो, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कुछ सवाल पूछने के लिए। 5 साल में उन्होंने जो काम किया है उसका हिसाब किताब लेने के लिए। जो मुख्यमंत्री होता है उसकी जिम्मेदारी होती है, सबसे ज्यादा इल्जाम भी उन पर रखते हैं, सबसे ज्यादा सवाल भी उनसे पूछे जाते हैं। तो मैं आमंत्रित करता हूं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। ये जो गोरखपुर की भव्य नगरी है, यह आपकी कर्मभूमि रही है और लोगों का प्यार तो यहां दिखाई दे रहा है। ये वो नगरी है जहां से नारा चला था, गोरखपुर में यदि रहना होगा योगी योगी कहना होगा। तो सबसे पहले तो ये मैं जानना चाहता हूं कि आपने गोरखपुर से ही चुनाव लड़ने का फैसला क्यों किया? गोरखपुर में मैं सबसे पहले रजत जी आपका और आपके इस पूरे परिवार का हृदय से अपने गोरखपुर में स्वागत करता हूं। आज महाशिवरात्रि है और ये शिव की नगरी है। आपका आगमन आपके लिए और पूरे चैनल के लिए, पूरे प्रदेश और देश के लिए मंगलमय हो, ये मेरी कामना है। गोरखपुर मेरी कर्म भूमि है। 5 बार गोरखपुर की जनता ने मुझे गोरखपुर से सांसद चुन करके भेजा और जब पार्टी ने इसके बारे में ऑप्शन मुझसे मांगा था कि आखिर आप कहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं, अलग अलग जगहों से ऑफर थे, तो मैंने कहा नहीं, मैं गोरखपुर से ही चुनाव लड़ना चाहूंगा। क्योंकि गोरखपुर का मतलब बहुत स्पष्ट है कि गोरखपुर में यहां स्वतः स्फूर्त भाव के साथ यहां का प्रत्येक नागरिक चुनाव की प्रक्रिया के साथ जुड़ता है और वह चुनाव के परिणाम को स्वयं ही तय कर लेता है। इसलिए मैंने गोरखपुर की जनता के भरोसे इस चुनाव को यहां छोड़ा और मैं स्वयं प्रदेश भर में प्रचार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में स्वयं निकला हूं। मैंने 4 फरवरी को नामांकन किया था, उसके बाद मैं 26 की रात्रि को गोरखपुर आया हूं। शेष यहां का हरेक मतदाता इस चुनाव की प्रक्रिया के साथ जुड़ा हुआ है और स्वयं ही योगी बनकर के कार्य कर रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि इससे ज्यादा कुछ बोलने की आवश्यकता गोरखपुर वासियों को है भी। योगी जी, गोरखपुर के लोगों ने तो आपको सन्यासी के रूप में देखा, लेकिन आपके विरोधी कहते हैं कि सन्यासी बन गए, परिवार नहीं है, परिवार वालों की परेशानी क्या होती है, जिनका परिवार होता है उसका दर्द क्या होता है, ये सन्यासी क्या जाने। अब परिवार वालों की बात तो हर व्यक्ति ने देखा है, उनके लिए जब परिवार की बात होती है तो सिफाई खानदान तक उनका परिवार सीमित था, इस बार दृष्टि थी नहीं। और जब मेरी बात होती है तो मैं उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता को परिवार के रूप में मानता हूं, उनके सुख दुख में सहभागी बनता हूं।
आप याद करिए कि जब कोरोना की सेकेंड वेव आई थी तो मुझे भी कोरोना की चपेट में मैं भी आ गया था। जैसी मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आई तो नेगेटिव आने के बाद उस समय की परिस्थिति को देखते हुए मैंने तय किया कि नहीं, मुझे फील्ड में निकलना चाहिए, और मैं निकला। अलग अलग जनपदों में मैं निकला। मैं एक जनपद में गया, मैंने वहां की रिपोर्ट मांगी, मैंने कहा भी कितने यहां कोविड पॉजिटिव हैं। मुझे बताया गया, मैंने कहा कोई मोहल्ले के नाम भी मेरे पास आए तो मैंने उसमें से एक जगह चिन्हित किया। तो चूंकि मैं, मेरी रिपोर्ट उसी समय नेगेटिव आई थी, यद्यपि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे इसके लिए चेतावनी दी थी कि आपको बाहर नहीं निकलना चाहिए क्योंकि पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं और उसके कारण जो है लंबे समय तक समस्या हो सकती है। लेकिन मैं देख रहा था कि अलग अलग संस्थाओं के द्वारा जिस प्रकार की नकारात्मकता पैदा की जा रही थी, उस समय मुझे मथुरा के एक गांव में जाने का अवसर प्राप्त हुआ। गांव और शहर का क्षेत्र था वो। मैंने एक दरवाजा खटखटाया, मुझे बताया गया कि यहाँ पे दो कोविड पॉजिटिव हैं। तो मैंने दरवाजा खटखटाया तो वो लोग गेट के पास आए, उन्होंने मुझे देखा, क्योंकि उस समय तो स्थिति ऐसी थी कि मेरे साथ तामझाम भी नहीं हो सकता था। बहुत सभी लोग दूरी दूरी पे खड़े थे। तो गेट परिवार की जो महिला थी ने खोला, उन्होंने मुझे देखा, कहा अरे आप योगी जी हैं? मैंने कहा हाँ। कहा मैं सच देख रही हूं? मैंने कहा क्यों? कहा आप यहां कैसे? मैंने कहा नहीं, मुझे जानकारी मिली कि आप लोग यहां पे कोविड की चपेट में आए हैं, इसलिए आपका हालचाल लेने के लिए। और तुरंत अपने घर के अंदर गई, अपने पति को भी लेके आई बाहर, कहा देखिए योगी जी यहां आए हैं लेकिन इनको आना नहीं चाहिए था। मैंने कहा क्यों? अरे साहब आप रहेंगे तो पूरे प्रदेश को बचा लेंगे, और हम लोगों का हालचाल लेने के लिए आपको तो कम से कम इस समय इंफेक्शन से बचना चाहिए। मैं देखा तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भी आखिर आप भी तो प्रदेश के हैं, तो प्रदेश के एक एक व्यक्ति की चिंता करना तो हमारा दायित्व है। अरे साहब देखिए आप चिंता मत करिए, प्रतिदिन आपके कार्यालय से हमारे पास फोन आता है, हालचाल लेने के लिए फोन आता है, डॉक्टर की टीम हमारा हालचाल ले रही है, जिले की टीम हमारा हालचाल ले रही है, और इतना तो किसी परिवार में भी अगर कोई व्यक्ति बीमार होता है तो इतना हालचाल तो उसको परिवार के लोग नहीं ले पाते जितना कि समय हमारा लिया जाता। लेकिन साथ साथ मेरा भी दायित्व था कि मैं पूरे प्रदेश का हालचाल लूं। हमने सिस्टम तैयार किया था, एक एक की उसकी जरूरत के हिसाब से उस प्रकार की सुविधाएं उसको मिले, उन कार्यक्रमों के साथ हम लोग जुड़े रहे। और इसलिए उस पीड़ा को एक योगी ही समझ सकता है, जो परिवार वाले थे ना जिन्होंने प्रदेश में पहले शासन किया था, इनमें से कितने लोग थे जो कोरोना कालखंड में या इससे पहले किसी आपदा में प्रदेशवासियों के साथ खड़े रहे हों? कभी नहीं खड़े, कभी नहीं। लेकिन योगी जी, इनकी संवेदना, मैं सही बात बता रहा हूं, आज 5 साल शासन करने के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रति, मोदी जी के प्रति और योगी जी के प्रति जनता की संवेदना है, इन परिवारवादियों और वंशवादियों के प्रति जनता की संवेदना कतई नहीं है। क्योंकि जनता को मालूम है, उत्तर प्रदेश की जनता इस बात को जानती है कि इनकी संवेदना उत्तर प्रदेश की जनता के प्रति कभी नहीं थी। इनकी संवेदना या तो अपने स्वयं के परिवार के प्रति थी, या माफियाओं के प्रति थी, पेशेवर माफिया अपराधियों के प्रति थी, या आतंकवादियों के प्रति थी, प्रदेश की जनता के प्रति कभी नहीं थी। लेकिन राजनीति में हम देखते हैं परिवार होने का फायदा तो होता है। अब करहल में अखिलेश यादव जब कैंपेन करने गए तो मुलायम सिंह जी भी थे, चाचा भी थे, भतीजे भी थे, बहुत सारे लोग थे। देखिए वही तो हम कह रहे हैं ना कि उनके लिए उनका परिवार प्रचार कर रहा था, मेरे लिए मेरा परिवार प्रचार कर रहा था। राहुल गांधी ने भी अपनी बहन को उत्तर प्रदेश के मैदान में उतारा है, और
आपकी बहन की कुछ तस्वीरें मैंने देखी हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि कैसे वो रहती हैं और किन हालात, और मुझे पता चला कि जब वहां लोग जाते हैं तो उनसे पूछती हैं उत्तर प्रदेश का हाल क्या है। ये तस्वीरें देखिए, कई किलोमीटर पैदल चल के घर से आती हैं, एक चाय की दुकान चलाती हैं, प्रसाद की दुकान चलाती हैं। तो आपको नहीं लगता कि सब अपने परिवार का ध्यान रखते हैं, आप भी थोड़ा ध्यान रख लेते? मैं देखिए एक योगी हूं और मुझे पूरे प्रदेश का ध्यान रखना होता है, और मुझे लगता है कि एक मुख्यमंत्री के रूप में मैंने अपने राजधर्म का शपथ ली है, परिवार का नहीं। ये ठीक है योगी जी, आपने परिवार का ध्यान न रख के सन्यासी के तौर पर पूरे प्रदेश का ध्यान रखा है, आप अपनी बहन का ध्यान न रख के उत्तर प्रदेश की बहनों का ध्यान रखा है। लेकिन कुछ बहनें मुझे कल मिली, मुस्लिम बहनें हैं, वो कहती हैं कि योगी जी ऐसा पहनावा चाहते हैं ऐसा पहन लेते हैं और हमें हिजाब पहनने नहीं देते। देखिए, मुझे किसी के पहनावे पर कोई आपत्ति नहीं। घर में कौन क्या पहन रहा है, बाजार में कौन क्या पहन रहा है, सार्वजनिक स्थानों पे कौन क्या पहन रहा है, उस पे हम लोगों को आपत्ति करने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन मेरा एक बात मानना है कि देश की व्यवस्था संविधान से चलनी चाहिए, ये सबके हित में है। देश का संविधान अगर न हो तो क्या तीन तलाक जैसी कुप्रथाओं को हम रोक पाएंगे? कभी नहीं। और इसलिए व्यक्तिगत आस्था, ऐसा नहीं कि भारत के अंदर हमारे पंथ और संप्रदाय न हो। कुंभ जैसे महापर्व यहां होते रहे हैं और कुंभ जैसे महापर्व के अवसर पर एक समय ऐसा भी था जब अखाड़े पहले स्नान करने को लेकर के संघर्ष करते थे, लड़ते थे, भिड़ते थे, खूनी संघर्ष होता था। लेकिन राष्ट्रीय एकात्मता को ध्यान में रखते हुए सभी ने अपने अहम को शांत किया और सभी एकजुट होकर के आपसी सहमति के आधार पर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन हमारी व्यक्तिगत आस्था हमारी जगह होगी, हम अपनी आस्था को देश पे नहीं थोप सकते। अंततः हम सब के लिए, हम सब की सुरक्षा, हम सब का सम्मान एक ही धर्म से वह राष्ट्र धर्म है। राष्ट्र धर्म के बगैर अगर कोई व्यक्ति, कोई समुदाय ये समझता है कि वह सुरक्षित होगा, समृद्ध होगा, मुझे लगता है उसकी गलत फहमी होगी। हमें अपने राष्ट्र धर्म को हर हाल में निर्वहन करना होगा। और संस्था अगर है, एक बालिका स्कूल में जा रही है तो स्कूल की जो निर्धारित ड्रेस है उसमें रहेगी तो ज्यादा अच्छा होगा। एक बालक अगर विद्यालय के निर्धारित ड्रेस में होगा अच्छा होगा, और नहीं तो आज आप एक स्कूल कॉलेज के लिए कह रहे हैं, कल फोर्स में इसी बात को कहेंगे। आपने देखा होगा माननीय न्यायालय ने तो बहुत बार इस बारे में भी बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि कहीं भी हम अपनी फोर्स में इस प्रकार की अनुमति नहीं दे सकते कि जिससे वह एक समुदाय विशेष का प्रतिनिधित्व करता हुआ दिखाई दे। एक सही मायने में उसका एक सेकुलर स्टेटस दिखना चाहिए और उस भावना को हमें सम्मान देना ही होगा। संस्था के अनुशासन को तार तार करने की अनुमति और उसमें अनुशासनहीनता को फैलाने की छूट नहीं दी जानी चाहिए। आप स्कूल की बात कर रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी साहब तो कर्नाटक के इस इशू को यहां ले आए और उन्होंने कहा कि एक दिन हिजाब पहने,
कोई महिला इस देश की प्रधानमंत्री बनेगी? देखिए, मैं तो श्रीमान ओवैसी से एक बात कहूंगा कि वह इस बारे में बताएं कि अगर वो सचमुच मुस्लिम महिलाओं का स्वावलंबन चाहता है, उनके हितों के लिए कार्य करना चाहते हैं, तो उन्हें तीन तलाक की कुप्रथा को रोकने के लिए उस कानून का समर्थन करना चाहिए। अगर वह समर्थन करते हैं तो हम मानेंगे कि वास्तव में वह मुस्लिम महिलाओं का भला चाहते हैं। लेकिन आधी आबादी को आप न्याय से और सम्मान से वंचित नहीं कर सकते। अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो तीन तलाक के खिलाफ बने हुए कानून का विरोध करते हैं। देश के अंदर जब तीन तलाक के खिलाफ कानून बना था, मुझे प्रसन्नता है, सबसे पहले मैंने उसको लागू किया यूपी में, मैंने उसका सम्मेलन भी किया। जितनी तलाकशुदा महिलाएं थी, मैंने उन सबको लखनऊ बुला करके मैंने उनका सम्मान किया। तीन तलाक के खिलाफ ये कानून एक ऐतिहासिक कानून है, आधी आबादी की गरिमा और उनके सम्मान से जुड़ा हुआ मुद्दा है। लेकिन जब नारा लगता है ना उत्तर प्रदेश में बाहुबली नहीं बजरंग बली, तो दिल धड़कते हैं लोगों के। देखिए, उत्तर प्रदेश में अब माफियावाद और पेशेवर अपराधियों के दिन लग चुके हैं, और मुझे नहीं लगता है कि 10 मार्च के बाद इनमें से कोई नजर भी कहीं आएगा, मुझे लगता नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चुनाव की घोषणा के बाद प्रदेश के अंदर जो 4.5 वर्षों तक छुपे हुए थे, दुबके हुए थे, चुनाव के नोटिफिकेशन के बाद वे लोग कुछ बाहर निकल करके रेंग रहे थे, कहीं धमकी दे रहे थे, कहीं कुछ बोल रहे थे। लेकिन जब पहले 2 चरणों के चुनाव संपन्न हुए, उनको ये लगता था कि पहले 2 चरण के चुनाव के बाद वह और खास तौर पर विपक्ष काफी बढ़त बनाएगा। उनको ताज्जुब हुआ कि जहां पर उन्होंने पूरी साजिश यानी देश और विदेश की सारी साजिशें लगी थी, जहां पे भारतीय जनता पार्टी को परास्त करने के लिए, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छी बढ़त बनाई। तो आपने देखा होगा बहुत सारे विपक्षी नेताओं ने तो अभी से अपनी टिकट बुकिंग करनी शुरू कर दी बाहर भागने की। कोई इंग्लैंड की कर रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया की कर रहा है, जो छुटवैये हैं वो नेपाल भागने की फिराक में हैं। हमने तो नेपाल में भी बॉर्डर पर ज्वाइंट पेट्रोलिंग प्रारंभ करवा दी एसएसबी के साथ कि इनको अब जाने से थोड़ा रोको, एक बार इनकी गर्मी को हम लोग 10 मार्च का थोड़ा शांत कर लें, उसका अपना रास्ता ना पाए। लेकिन वो लोग भी बदले हैं, आप खुद ही कहते हैं जो राम भक्तों पर गोली चलवाते थे अब हनुमान जी की गदा लेके घूम रहे हैं। देखिए, परिवर्तन है, तो अच्छा है, ये होना चाहिए और मुझे प्रसन्नता है। आप देखना आखिर कितना परिवर्तन हुआ है। 1990 में राम भक्तों पर गोलियां चली थी, अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार सकता, इस प्रकार की बातें करते थे। 2005-06 में कहते थे कि राम और कृष्ण तो हुए ही नहीं। जब हमने दीपोत्सव का आयोजन 2017 में प्रारंभ किया अयोध्या में, तब भी उस पर इन्होंने उंगली उठाई थी। जब प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या में राम मंदिर का आधारशिला रखी और पूरे देश के अंदर एक माहौल बना, तब इनके स्वर बदले, इन्होंने कहना शुरू किया कि राम तो सबके हैं। पहले राम पे विश्वास नहीं था, आज जब राम की वास्तविक ताकत का एहसास हुआ तो अब राम सबके हो गए। और उत्तर प्रदेश के बबुआ का हाल तो देखो क्या है, अब वो हर मंच में जाते हैं। यानी जो लोग पहले प्रदेश में अपराधियों को प्रश्रय देते थे, तमंचों की फैक्ट्री लगाते थे, तमंचे बांटते थे, राहगजनी करते थे, अब आप देखते होंगे हर एक जगह हनुमान जी की गदा लहराते हैं। और आप देखना उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद, जब 2024 में हम लोग लोकसभा का चुनाव करने में आएंगे, उससे पहले
अयोध्या में राम मंदिर, भगवान राम का भव्य मंदिर बन चुका होगा, रामला विराजमान हो चुके होंगे। ये जितने हैं, पहले तमंचावादी थे, अब ये बजरंग बली की गदा लेकर के घूम रहे हैं, ये उस समय अयोध्या में कार सेवा की लाइन में खड़े होते हुए दिखाई देंगे। लेकिन आप भी कभी कभी ऐसी बातें कह देते हैं, आप कहते हैं कि पिछली सरकार कब्रिस्तान पे खर्च करती थी, हम तीर्थ स्थान पे खर्चा करते हैं। ये तो सच है, कब्रिस्तान भी तो जरूरी है। देखिए, हर एक की अपनी आवश्यकता है, जिसकी जैसी सोच होगी उस प्रकार का कार्य करेगा। मैं गोरखपुर के विकास के बारे में हमें करना था, तो यहाँ पे हम लोगों ने एम्स की स्थापना करवाई, हमने फर्टिलाइजर बंद कारखाना को फिर से चलवाया, यहां की बुनियादी सुविधाओं पर ध्यान दिया। आबादी बढ़ने के साथ गोरखपुर में लोग परिवार के साथ आ जा सके। देखिए, प्रकृति प्रदत्त कितना अच्छा पार गोरखपुर के पास है, रामगढ़ ताल जैसा झील है। मैं देख रहा था एक दिन, कई परिवार वोटिंग में थे, कोई अपना बर्थडे पार्टी मना रहा है, कोई परिवार के साथ घूमने निकला है पूरी झील में। ये सभागार परीक्षा करे गोरखपुर वासियों को पिछले 5 साल के अंदर ही प्राप्त हुआ है। गोरखपुर में 2017 के पहले बिजली नहीं मिलती थी, गोरखपुर के प्रदेश भर में नहीं मिलती थी, बिजली थी ही नहीं। ये जो फ्री में देने की बात कर रहे हैं ना, इनके समय बिजली थी ही नहीं, अंधेरे में रहने के आदि थे, क्योंकि इनके सारे कारनामे अंधेरे में होते थे, तो बिजली नहीं देते थे। जब मैं मुख्यमंत्री बना तो मुझसे भी कहा, कहा साहब गोरखपुर में 24 घंटे बिजली देनी है। मैंने कहा भी गोरखपुर में क्यों, बाकी प्रदेश क्यों वंचित रह जाएगा। रंगा साहब ने, ये पहले से है कि जहां का सीएम होता है वहीं मिलता है। मैंने कहा भाई, मैं सीएम वहां का नहीं हूं, मैं सीएम प्रदेश भर का हूं। और मैंने कहा गोरखपुर का कोई भी व्यक्ति ये स्वीकार नहीं करेगा कि केवल गोरखपुर को बिजली मिले। गोरखपुर वासी तभी बिजली लेंगे जब प्रदेश में 24 घंटे हम बिजली देंगे। और हमने एक साथ अप्रैल में 2017 में पूरे प्रदेश के लिए बिजली दी। जो विकास हम गोरखपुर में देख रहे हैं ना, ये विकास पूरे प्रदेश के अंदर अलग 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 शहरों में है। पूरे प्रदेश की ब्रांड बनी है, प्रदेश को एक नई पहचान दी है। और उत्तर प्रदेश में हम लोग यही कर रहे हैं। ये जो वंशवादी परिवारवादी है ना, परिवार इनका साथ में तब तक है जब तक लूट में हिस्सेदारी है। शेष तो पुत्र बाप को धक्का देता है, भतीजा चाचा को धकियाता है, तो इन लोगों से कुछ उम्मीद मत करिए। जो अपने परिवार का सम्मान न कर सकता हो, परिवारवादी बनने का ढोंग करते हो और उसके बाद उसका सम्मान और संभाल करके नहीं ले जा सकते हो, उनसे उम्मीद नहीं करनी। जो पूरे प्रदेश को कैसे संभाल पाएंगे, तो अपने परिवार को ही नहीं संभाल पा रहे। एक शिकायत बार बार है नौजवानों को रोजगार की, और हर जगह ये बात उठती है कि जितने रोजगार आपने वादा किया था उतने रोजगार नहीं दे पाए। अजय जी, देखिए मैं इससे सहमत नहीं हूं। देखिए, 5 साल में से 3 वर्ष हमारे प्रदेश में ईमानदारी से काम करने के बीते, 2 वर्ष हम लोगों के केवल कोविड प्रबंधन में लगे हैं। लेकिन इन 5 वर्षों में हमने जितनी सरकारी नौकरी दी, देखिए केवल नौकरी के एड निकाल देने से नौकरी नहीं मिल जाती। नौकरी एक पारदर्शी व्यवस्था के साथ, हर यूथ को नौकरी मिल जाए, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग हो जाए, उनका प्लेसमेंट हो जाए और उसकी सैलरी उसके परिवार तक पहुंचने लग जाए, ये पूरी प्रक्रिया होती है। हमने 5 साल में 5 लाख से अधिक नौजवानों को सरकारी नौकरी दी है। एक मैं इस बात को कह सकता हूं, 2003 से लेकर के 2017 तक, इन 14-15 वर्षों तक सपा बसपा सपा की सरकार रही, इन लोगों ने 14-15 वर्षों में जितनी नौकरी नहीं दी और जो नौकरी के एड निकाले थे, जो प्रक्रिया इन्होंने प्रारंभ की, आपने देखा होगा कि उसमें ज्यादातर विवादित हुई, न्यायालय को स्टे देना पड़ा था। हम लोगों ने ये जो नौकरी निकाली पूरी पारदर्शी तरीके से, क्योंकि देखिए मेरी पहले दिन से धारणा थी कि अगर कहीं भेदभाव करोगे, यूपी के किसी नौजवान के साथ कहीं खिलवाड़ होगा, उसके साथ अन्याय होगा,
वह संस्था जिम्मेदार होगी जो संस्था इस परीक्षा से जुड़ी होगी। और हमने कार्रवाई भी की, कुछ मामलों में बहुत सख्त कार्रवाई की। एक मामले में तो मैंने पूरी व्यवस्था को भंग करके जितने उस परीक्षा के साथ जुड़े हुए लोग थे सबको मैंने उठा करके बंद कर दिया, जेल के अंदर डाला। मैंने कहा यूपी के नौजवानों के साथ खिलवाड़ करने की कोई छूट नहीं होनी चाहिए तुम्हें। हां, इस प्रक्रिया को और तेजी के साथ आगे बढ़ाने की भी आवश्यकता है। जैसे हम लोगों ने नॉन गजेटेड जो से ग्रुप टू की और ग्रुप थ्री की जितनी भी पोस्ट हैं, इन सब के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट हम लोगों ने यूपी के अंदर आयोजित कर लिया है। 25 लाख से अधिक बच्चे उसमें बैठे हैं, उसका रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाला है। हम लोगों ने अन्य प्रक्रियाओं को भी तेजी के साथ आगे बढ़ाया है। कोविड उसमें बाधक बना है, अन्यथा हम लोग इससे भी कई ज्यादा भर्तियां कर की होते। ये सरकारी नौकरी है, हमने 70 लाख रोजगार देने की बात की थी और मैं आपको इस बात को कह सकता हूं कि हमने 2 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार यूपी के अंदर उपलब्ध कराया है। इसलिए उपलब्ध कराया है क्योंकि हम लोगों की जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है यूपी के अंदर, इसमें सुधार हुआ है। आज मैं कह सकता हूं कि यूपी के अंदर देश का और दुनिया का हर बड़ा निवेशक यूपी के अंदर निवेश करना चाहता है। 2017 के पहले कोई नहीं आना चाहता था, जो था वो भागना चाहता था। 2017 के बाद जो परिवर्तन हुआ, देखिए पहले 6 महीने लोग देखते रहे, इस बात को देखते रहे कि क्या परिवर्तन होता है कि नहीं होता है। मुझे याद है कि जब हम लोगों ने अपनी पहली इन्वेस्टर समिट के लिए उत्तर प्रदेश लखनऊ में आयोजन करने के लिए तय किया, तो मैं स्वयं रोड शो में मैंने टीम भेजी थी अपनी, तो उनको बहुत सफलता नहीं मिल पा रही थी। अहमदाबाद टीम गई, बेंगलोर टीम गई, हैदराबाद गई, कोलकाता गई, कुल मिलाकर के 20,000 करोड़ रुपए का निवेश का प्रस्ताव उन्हें प्राप्त हुआ था। तो उन्होंने बड़ी निराशा भरे स्वर में उससे कहा कि साहब बहुत माहौल नहीं है। मैंने कहा यार देखो यूपी में परिवर्तन हुआ, अपनी बात को आपको रखना चाहिए ठीक ढंग से। उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा चलो एक में मैं चलता हूं। मैं मुंबई स्वयं गया था। अब आश्चर्य करेंगे कि मुंबई के रोड शो में देश का हर एक निवेशक आया था। मैं जिससे भी बातचीत करता था वे कहता था कि देखिए हम यूपी से तो कसम खा के आए हैं कि यूपी में आप कभी नहीं आएंगे। मैंने कहा भी क्यों? तो उन्होंने कहा कि साहब जो है यूपी में उस प्रकार का माहौल नहीं है। मैंने कहा भी माहौल तो हम दे रहे हैं। उन्होंने कहा हां हमें कुछ अच्छा इधर सुनने को मिला है और अगर ये कंटिन्यू रहा तो हम लोग विचार करेंगे। मैंने कहा आप लोग हमारे इन्वेस्टर समिट में पधारे। अब आश्चर्य करेंगे कि हमें 4,68,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिसको हमने 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के प्रस्ताव को हम लोगों ने जमीनी धरातल पर उतारे हैं। उसमें से बहुत सारी यूनिट प्रोडक्शन भी शुरू कर दी है। कोविड कालखंड में ही कोविड प्रबंधन के साथ ही 66,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के प्रस्ताव हमने जमीनी धरातल पर उतारे हैं। देश का पहला डिस्प्ले यूनिट यूपी में लगा है, प्रोडक्शन प्रारंभ हो चुका है। डाटा सेंटर यूपी में एक नहीं 3-3 बन रहे हैं वर्तमान में। और ये कोरोना अगर बीच में ब्रेकर नहीं बनता तो अब तक हम लोग देश की क्या दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म सिटी उत्तर प्रदेश में लेकर के आ गए होते। बड़ी हलचल है इसकी। हलचल है, मुंबई में भी सुनते हैं लोग कहते हैं कि आप मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री को यहां ले आएंगे, मुंबई वालों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। हम लेके नहीं आएंगे, हम तो अपने यहां स्थापित कर रहे हैं और ये दुनिया की होगी। लेकिन हां हमने जो सुरक्षा का माहौल दिया है, हर एक फिल्म जो प्रोड्यूसर है एक्टर है वह यूपी के साथ मिलकर काम करने का इच्छुक है। इसलिए इच्छुक है क्योंकि यहां पे आज के दिन पे कोई गुंडा टैक्स नहीं लेता, कोई चौथ नहीं वसूल कर सकता किसी से, क्योंकि जो भी अगर इस प्रकार का दुस्साहस करेगा उसे मालूम है कि अगले दिन उसको थाने के सामने तख्ती लटका के चलना पड़ेगा। इसलिए कोई इस प्रकार का दुस्साहस नहीं कर सकता है और लोगों के मन में एक विश्वास जगा है। मैं आभारी हूं जब मैं
लखनऊ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का बॉन्ड जारी करवाने के लिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज गया था, तो उस समय मुंबई के सभी ऐसे प्रमुख प्रोड्यूसर, एक्टर, इन सब से मेरी बैठक हुई थी। सब लोगों ने रुचि दिखाई थी और सब लोग इस बात के इच्छुक थे कि साहब कुछ किया जाना चाहिए, नहीं तो ये फिल्म इंडस्ट्री मर जाएगी। हमने कहा नहीं, उत्तर प्रदेश तैयार है, उत्तर प्रदेश में आप आइए और हमारा कार्य चल रहा है, दस्त पर आगे कार्य बढ़ रहा है। मेरा विश्वास है कि ये यूपी के लिए एक नया अवसर होगा, जब उत्तर प्रदेश इसमें बहुत कुछ देने की क्षमता होगा, लोक परंपरा, लोक संस्कृति से लेकर के वैश्विक स्तर की अच्छी फिल्में यूपी के माध्यम से देश और दुनिया के अंदर जा पाएंगी, यूपी की फिल्म सिटी वो करके दिखाई। लेकिन मुंबई फिल्म इंडस्ट्री से तो भाभी जी आई हुई हैं, आपके खिलाफ कैंपेन कर रही हैं। देखिए, यहाँ पे उत्तर प्रदेश की जनता इन सब की हरकतों को देख चुकी है, उत्तर प्रदेश के वासियों पे कब कब अत्याचार नहीं किए, और कोरोना कालखंड तो इसका सबसे जीवंत उदाहरण है। क्या नहीं हुआ उस दौरान, यूपी बिहार के लोगों को जबरन भगाया गया, उनके पानी के कनेक्शन काटे गए, उनके बिजली के कनेक्शन काटे गए, उनके राशन कार्ड निरस्त कर दिए गए। मैं देखता था जब यूपी बॉर्डर पर बड़ी संख्या में लोग आए, प्रधानमंत्री जी भी चिंतित हुए कि लॉकडाउन है, कोरोना में कैसे बचाएंगे, इस प्रकार की स्थिति होगी। मैंने परमिशन मांगी, मैंने कहा देखिए इन लोगों को हमें सड़क पे नहीं जाने। प्रधानमंत्री जी ने कहा नहीं, व्यवस्था कुछ करनी पड़ेगी। 12,000 बसेस मैंने वहां भेजी, टीम भेजी एक ही रात्रि में, और मैंने कहा जिस जिले के हैं उन जिलों में इनको ले जाने की व्यवस्था करो। उस समय क्वारंटीन पीरियड 20-21 दिन का था, मैंने कहा एक महीने इनको रखो, भोजन की व्यवस्था करो, नियमित चेकिंग की व्यवस्था करो, इनको इनका मेडिकल चेकअप होता रहे, सारी सुविधाएं इनको दो, और उसके बाद जब जाएं 15 दिन का राशन इनके साथ जाना चाहिए, इनके घर तक पहुंचाने के लिए। 15 दिन के बाद इनको राशन कार्ड से राशन मिलता हुआ दिखाई दे। एक बड़ी संख्या यूपी के बाहर की थी, बहुत सारे राज्यों ने लेने से इनकार कर दिया था। हमने कहा भी नहीं, ये लड़ाई राज्यों की नहीं, ये कोरोना के खिलाफ मानवता की लड़ाई है, और जो भी यूपी में आएगा हम उसको उसकी देखभाल करेंगे, उनके रहने की व्यवस्था करेंगे, उनके खाने की व्यवस्था करेंगे। और मैंने अपने अधिकारियों को इस बात का निर्देशित किया था कि जब यूपी से जाएं तो उसको लंच पैकेट और पानी की बोतल जरूर देना, अगर हमें अलाउ करेंगे तो उन राज्यों की सीमा तक, उनके घर तक पहुंचाना, उनके गांव तक पहुंचाइए, और अगर सरकार वहां की अनुमति नहीं देती है तो कम से कम अपनी सीमा तक तो आप जरूर छोड़ना उनको। देखिए वही लोग जाते थे, यहां से जब जाते थे तो भोजन तो पहले कर लेते थे लेकिन वो खाली डिब्बा रखते थे अपने पास और दिखाते थे वहां के प्रशासन को, वहां के शासन को, देखो ये यूपी ने हमें दिया है। ये मानवता को बचाने की जो लड़ाई थी, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने इस लड़ाई को लड़ा है, और यूपी के प्रवासी कामगार और श्रमिकों के लिए जो कार्य हुआ इस पे दुनिया के तमाम विश्वविद्यालयों ने, प्रतिष्ठित संस्थाओं ने स्वयं भी उस पर, कोविड प्रबंधन पर और प्रवासी कामगार और श्रमिकों के मैनेजमेंट को कैसे हमने पूरा किया है, ये सब ये बात सही है। क्योंकि ये देखकर आश्चर्य होता है कि उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य, उसके बावजूद यहाँ कोरोना के केसेस वो एक दो महीने का कालखंड अगर छोड़ दें तो इतनी तेजी से नहीं बढ़े। देखिए मैं आज भी अपनी तमाम व्यस्तता के बावजूद भी कोविड की नियमित रिपोर्टिंग लेता हूं, नियमित, और ये 25 मार्च 2020 से लेकर के अब तक कोई दिन मैंने खाली नहीं होने दिया। मैं कहीं भी हूं, मैं वो पिछले 3 दिन से गोरखपुर में हूं, लेकिन गोरखपुर में भी मेरे पास रिपोर्ट आ जाती है सुबह 8 बजे। एक एक मुद्दे पर मैं चर्चा करता हूं, कहीं कोई खामी है तो उसके बारे में उनको बोलता हूं कि भाई देखो इसको इस रूप में ठीक करिए। और हमारे पास अनुभव था, ये कोविड प्रबंधन यूपी का जो अच्छा रहा उसके पीछे कारण है, एक हम लोगों ने यहां पे मस्तिष्क ज्वर के
उन्मूलन की दिशा में बहुत बड़ा कदम बढ़ाया। मस्तिष्क ज्वर यहां पे 1976-77 में आया था, हर वर्ष हजारों बच्चों की मौत होती थी, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीरनगर, उधर बल्लामपुर, गोंडा, श्रावस्ती, बहराइच, और ये यहां से होते हुए सहारनपुर तक जाता था। लेकिन अकेले गोरखपुर कमिश्नरी के अंदर 1500 से 2000 बच्चों की मौत हर वर्ष होती थी। आप अनुमान करेंगे, ये लोग जो गरीबों की बात कर रहे हैं ना, ये वास्तव में गरीबों के इतिहास से कभी नहीं थे। वे बच्चे मरते थे। मैंने कभी किसी मुख्यमंत्री को इससे पहले गोरखपुर के ब्याड़ी मेडिकल कॉलेज में हर वर्ष मौतें होती थी, सर्वाधिक मौतें ब्याड़ी मेडिकल कॉलेज में होती थी, किसी चीफ मिनिस्टर को मैंने वहां विजिट करते हुए नहीं देखा कि वो जा सके उन गरीबों के प्रति, उन मासूमों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त कर सके। ये लोग परिवार चलाते हैं, परिवार के नाम पर तमाशा बनाते हैं। वे बच्चे मरते थे, एक एक बेड में चार चार बच्चे लेटे रहते थे, भयंकर बदबू, न पंखे थे, अब मानकर यानी जून जुलाई में थर्ड फ्लोर में जो इंसेफ्लाइटिस का वार्ड था, थर्ड फ्लोर था, लिफ्ट नहीं थी, पंखे नहीं थे, उस भीषण उमस भरी गर्मी में एक बेड में चार चार बच्चे, एक बच्चे के साथ चार से पांच परिवार के सदस्य, और फिर बदबू, इतनी भयंकर बदबू वहां होती थी, इतनी खराब स्थिति थी वहां, नारकीय स्थिति थी। आज मैं कह सकता हूं हमने सारी व्यवस्था को सुधारा है वहां पे। आज ब्याड़ी मेडिकल कॉलेज में कोई जाएगा देखेगा ना, वहां पे एक अगर बीमारी हो ही गई तो उस बेड, उस बच्चे के लिए सेपरेट बेड है, सेंट्रल एसी सिस्टम से जुड़ा हुआ है, और टेम्परेचर 45 पहुंचेगा तब भी कमरे का जो टेम्परेचर होगा वह 20 से 22 ही रहेगा, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। हमने एसी लगाई हुई है, हर एक उसमें एसी लग चुका है, हर एक जगह हम लोगों ने वहां पर उन बच्चों की सुविधा के लिए जो भी उसकी आवश्यकता होगी सारी सुविधाएं दी हैं, और पर्याप्त मात्रा में सुविधाएं वहां पर दे दी हैं। लेकिन हम लोगों ने केवल उसी को नहीं दी, इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं बढ़ाया, हर एक जिले में भी आईसीयू बनाया, भारत सरकार ने सहयोग किया था, हम लोगों ने आईसीयू बेड्स बढ़ाए और सर्विलांस को हमने मजबूत किया। आज हम लोग 95% बीमारी को नियंत्रित कर चुके हैं और 99% मौत के आंकड़े हम नियंत्रित कर चुके हैं यहां पे इंसेफ्लाइटिस का। स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन मिशन को प्रभावी ढंग से लागू करना और अंतर विभागीय समन्वय से स्वयं मैं समीक्षा करता था हर सप्ताह, भाई बताओ गोरखपुर में कितने विजिट हुए, अवेयरनेस के कितने कार्यक्रम हुए हैं, कौन विभाग क्या कर रहा है। एक बार दो बार अगर किसी विभाग की रिपोर्ट में थोड़ी भी बात हुई, ऐसा नहीं कि वह जो विभाग मुझे दे रहा है मैं उसी से संतुष्ट हूं, मैंने इसमें यूनिसेफ और पाथ जैसी संस्थाओं का सहयोग भी लिया, मैं उनसे भी अलग से रिपोर्ट मांगता था कि आप मुझे अलग से दीजिए, हमारा कौन विभाग काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, और किसी स्तर पर लापरवाही होती थी तो उनके विभागाध्यक्ष की मैं जवाबदेही तय करता था, भाई देखो ये नहीं हो सकता है, हमारे मासूम बच्चे मरे हैं और तुम लोग रिपोर्टिंग में पूरा समय बर्बाद करोगे, ये नहीं हो सकता है। और आज मैं कह सकता हूं जिस बीमारी ने लगभग 40 वर्षों तक यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर अंदर 50,000 मासूम बच्चों को निकलाओ, यानी आज मैं कह सकता हूं कि हम लोगों ने उन बच्चों को बचाया है। आपकी संवेदनाओं को समझ सकता हूं, हमने भी वो जब तस्वीरें देखते थे और टीवी पर दिखाते तो बहुत तकलीफ होती थी, और वाकई में उसमें सुधार हुआ है योगी जी, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन जो आपकी संवेदना है, जो गरीबों के प्रति काम आपने किया है, ये आपके साथ मंत्री रहने वाले लोगों तक भी नहीं पहुंचे, बार बार कहा कि पिछड़े, अति पिछड़े, उनके लिए न्याय नहीं किया, उनको हक नहीं दिया, ये मासूम बच्चे
किस परिवार से और किस तबके से जुड़े हुए थे, किस से जुड़े हुए थे। मुझे लगता है कि इसमें से फॉरवर्ड जाति के बच्चे, यद्यपि बच्चों में भेद नहीं हो सकता है, लेकिन जब आप उसकी बात ही करना चाहेंगे तो मरने वाले जो बच्चे होते थे, इसमें 90% बच्चे अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति के होते थे। इनमें से कोई व्यक्ति कभी किसी हॉस्पिटल का दौरा किया? फुर्सत ही नहीं थी, क्योंकि ये सब देखिए, वे लोग आए थे एक उद्देश्य से, वे भूल गए कि भारतीय जनता पार्टी कोई परिवारवादी पार्टी नहीं है। वे भारतीय जनता पार्टी को अपने परिवार के अनुसार ढालना चाहते थे, जबकि भारतीय जनता पार्टी अपने राष्ट्रवाद के मुद्दों के आधार पर उन्हें भारतीय जनता पार्टी के अनुसार ढलना चाहिए था। अपनी संकीर्ण सोच से ऊपर उठ करके भारतीय जनता पार्टी की विराट सोच के साथ जुड़ना चाहिए था, नहीं सोच पाए। बहुत सारे ऐसे कारनामे उनके नहीं हो पा रहे थे जो मेरे मुख्यमंत्री रहते हुए वो पूरा नहीं कर सकते थे, ये तो तय था, नहीं तो ये तो सब धुरंधर नाम है। अब ये सारे लोग जब छोड़ के गए हैं, और ये कुछ कुछ जातियों के नेता हैं, इनको माना जाता था पिछड़ों के, अति पिछड़ों के प्रतिनिधि हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य, आप उससे नोट कर लें, जितने गए सब हार रहे हैं, बहुत बुरी तरह हार रहे हैं। और मुझे लगता है ये लोग अपनी जमानत बचा लें, मुझे लगता है कि पता लग जाएगा इन लोगों को कितने बड़े जनाधार के नेता हैं, ये तय हो जाएगा। अब आपने तो कहना शुरू कर दिया है कि 10 तारीख 10 मार्च के बाद से बुलडोजर फिर से चलेगा। देखिए, हमने प्रदेश में बुलडोजर का बेहतर उपयोग किया है, और मुझे लगता है कि बुलडोजर कंपनी को तो उत्तर प्रदेश को, हर जनपद को एक एक बुलडोजर देना चाहिए, एक मॉडल के रूप में खड़ा होगा। क्योंकि जितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोगों ने खड़ा किया यूपी में, आप देख सकते हैं 70 वर्षों में यूपी में 1.5 एक्सप्रेसवे बना था, आज हम 7 एक्सप्रेसवे बना रहे हैं। यूपी की पहले पहचान क्या थी? जहां से गड्ढे शुरू हो जाए समझ लो यूपी की सीमा शुरू हो जाए, जहां से शाम को अंधेरा शुरू हो जाए समझ लो यूपी का बॉर्डर है। आज इंटरस्टेट कनेक्टिविटी को 4 लेन से हम जोड़ चुके हैं, हमने हर गांव को जगमगाया है, हर कस्बे को दिया है, हर एक जगह विकास की योजना को पहुंचाया है। पहले अंधेरा था, अब उजाला है। तो देखिए, एक कहावत है ना, चांदनी रात चोरों को अच्छी नहीं लगती है, तो ये लोग कैसे इसको बर्दाश्त करेंगे। लेकिन उनकी शिकायत ये कि आपके जो बुलडोजर हैं वो समाजवादी पार्टी के नेताओं या उनके समर्थकों पर ही चलते हैं। मैंने कहा, देखिए, अब हर गुंडा हर माफिया समाजवादी पार्टी से जुड़ा है तो मैं क्या करूं। ये जितने पेशेवर माफिया अपराधी है, अब देखा होगा आपने ना, 12 से लेकर 17 के बीच में जिस दिन मैंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, इन माफियाओं को उसी दिन पता था कि मैं क्या करूंगा। आप आश्चर्य करेंगे कि हजारों ऐसे पेशेवर माफिया और अपराधी थे जिन्होंने अगले 24 घंटे के अंदर अगर कहीं कब्जा किया था तो चाबी उस मालिक को सौंप करके कहा, भैया ये आप ले लीजिए, अब हम नहीं संभाल पाएंगे, आप ले लीजिए। उन्होंने कहा, नहीं, अब क्या दिक्कत आ रही है? कान भाई, हमारा समय पूरा हो गया है, हम अपनी यात्रा के लिए निकल रहे हैं। इनको ये लगता था कि अवसरवादी गठजोड़ फिर बना करके, और पहली बार गठजोड़ नहीं बन रहा है। देखिए, मैं तब भी कहता था, देखिए 2017 में इन्होंने दो लड़कों की जोड़ी बनाई थी, दोनों देखिए कभी कभी संगत का असर होता है, और संगत का जो असर होता है ना, वो संगत का असर दिखता है, संगत का असर
दोनों लड़कों पे एक दूसरे पर देखने को मिला है। जनता ने उन दोनों को ठीक किया। 19 में जब इन्होंने महागठबंधन बनाया था, मैं तब भी बोलता था देखो ये कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये जो अवसरवादी गठबंधन बना है, चुनाव के बाद ये लोग एक दूसरे को कोसेंगे। मैंने विधानसभा में भी इस बात को कहा था, जब गठबंधन बना था तब भी मैंने इस बात को कहा था, और मैं फिर इस बात को कह सकता हूं। देखिए, जब महागठबंधन बना था तो मुझसे पूछा, पार्टी की ओर से पूछा गया कि क्या रहेगा। मैंने कहा देखिए 80% सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, 20% में सब आपस में बंटवारा होगा इन लोगों में, लेकिन ये गठबंधन की एक गनीमत है कि हम प्रदेश की सत्ता में हम लोग हैं, तो अब कोई स्टेट गेस्ट हाउस कांड नहीं होने पर। आप देखना ये जो छुटभैया सब मिल करके भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक गठबंधन करा करके और एक जातीय गठजोड़ दिखा करके दिखाने का प्रयास कर रहे थे ना, उत्तर प्रदेश की जनता इस अवसरवादी गठजोड़ को फिर पुरजोर जवाब दे चुकी है, दे रही है। जनता चुनाव लड़ रही है इस समय। तो मैं तो एक औपचारिकता के लिए जा रहा हूं, अपनी उपस्थिति दर्ज करने के लिए हम लोग जा रहे हैं। पब्लिक स्वयं चुनाव लड़ रही है। क्यों पब्लिक क्यों चुनाव इसलिए लड़ रही है, उसको सुरक्षा की गारंटी देने वाली सरकार चाहिए, उसको विकास और सुशासन की गारंटी देने वाली सरकार चाहिए, और केवल भारतीय जनता पार्टी दे सकती है, डबल इंजन की सरकार दे सकती है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल के अंदर यह किया है, लेकिन मैं कह सकता हूं जो गठजोड़ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बना है, चुनाव के बाद एक दूसरे को लोग आरोपित करेंगे, इन लोगों में धींगा कुश्ती होगी, कुछ जगह मारपीट भी होगी, और बाद में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप ये लोग करेंगे, क्योंकि सभी उस प्रकार के अधकचड़े पहलवान वहां भरे पड़े हैं, और ये सभी लोग इस प्रकार का कार्य करेंगे भी। आप चिंता मत करिए, हम लोग पूरी मजबूती के साथ इन चीजों को देखेंगे। हमारी कार्रवाई रुकी थोड़ा है, तो देखिए उत्तर प्रदेश की राजनीति से अगर देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य को नंबर एक की अर्थव्यवस्था बनना है, तो उत्तर प्रदेश की राजनीति से जातिवाद की राजनीति को, माफियावाद की राजनीति को हमेशा के लिए तिलांजलि देनी ही होगी, समाप्त करनी ही होगी। और मेरा मानना है भारतीय जनता पार्टी का जो अगला कार्यकाल होगा वो बहुत महत्वपूर्ण होगा इस दिशा में। एक हमेशा के लिए अपराध को, माफियावाद को यूपी से समाप्त करना, और यूपी को विकास के उन सभी मामलों में आगे बढ़ाकर के नंबर एक की अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित कर देना, जिसमें उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय नेशनल एवरेज से दिखो। यह हमें करना होगा, उस दिशा में हम लोग आगे कदम बढ़ा रहे हैं। योगी जी, मैं समाजवादी पार्टी का कैंपेन भी देखता हूं, अखिलेश जी की बातें सुनता हूं, तो वे कहते हैं कि ये बुलडोजर लखीमपुर खीरी में क्यों नहीं चलता, हाथरस में अमानवीयता हुई उस पर योगी जी का दिल क्यों नहीं रोया। देखिए हाथरस की घटना हो या लखीमपुर की घटना, दोनों दुर्भाग्यपूर्ण है, और सरकार ने दोनों में कार्रवाई की, दोनों में हमने कार्रवाई की, समय से की। हाथरस की घटना में जितना कार्य उत्तर प्रदेश पुलिस की थी उससे एक भी कदम सीबीआई नहीं जा पाई, और मैं उस सच को आज भी जानने का इच्छुक हूं, और जनता जनार्दन के सामने आना चाहिए कि यूपी को बदनाम करने के लिए किस किस प्रकार की साजिशें होती हैं, यह भी आना चाहिए। एक दूसरा, लखीमपुर खीरी में भी सरकार ने अपनी कार्रवाई समयबद्ध की, और जो लोग दंगा भड़काना चाहते थे उसके नाम आड़ पर, वे लोग सफल नहीं हो पाए। उनकी चिड़ तो इस बात को लेकर की है कि उसको वर्ग संघर्ष की स्थिति जो पैदा करना चाहते थे लखीमपुर खीरी में, वे लोग नहीं कर पाए। हम लोगों ने उसको रोका, हम पूरी तरह उसको नियंत्रित किए हुए हैं। लेकिन ये दोनों आपराधिक घटनाएं हो सकती हैं, एक को सीबीआई देख रही है, एक को माननीय उच्चतम न्यायालय की जुडिशियल कमीशन और एसआईटी उसको देख रही है। ये एक व्यापक समुदाय को तात्कालिक दृष्टि से आहत कर सकता है, लेकिन शोषण का माध्यम
या गुंडा टैक्स का यह माध्यम नहीं है। उत्तर प्रदेश में जो पेशेवर माफिया थे, सत्ता का सागिर्द बनते थे, अराजकता फैलाते थे, गुंडागिर्दी करते थे, सार्वजनिक संपत्तियों पर कब्जा करते थे, जबरन गरीबों का हड़प लेते थे, बुलडोजर उनके लिए बना है और उसका बेहतर उपयोग भी होता है। और अब तो मैं सोच रहा हूं, आप योगी जी आतंकवादी कह देते हैं। देखिए, आतंकवादी कौन है कौन नहीं है तो हर व्यक्ति जान रहा है। आतंकवादी जितनी घटनाएं घटित हुई हैं 2003 से लेकर 2007 के समाजवादी पार्टी के कार्यकाल के दौरान हुई थी, और इन आतंकवादियों के यानी गोरखपुर में भी 2007-08 में एक सीरियल ब्लास्ट हुआ था। बाबा गोरखनाथ की कृपा है, कोई व्यक्ति उसकी चपेट में नहीं आ पाया, अन्यथा जिस प्रकार की साजिश थी गोरखपुर को दहलाने की, ठीक उसी तर्ज पर जैसे अहमदाबाद में हुआ था। सीरियल ब्लास्ट में 56 लोग मारे गए थे अहमदाबाद में। काशी में संकट मोचन मंदिर पे जो आतंकी हमला हुआ था, उसमें 12 लोग मरे थे। कचहरियों पर जो हमले हुए थे अयोध्या, लखनऊ, वाराणसी की, 15 से ज्यादा अधिवक्ता और फरियादी उसकी चपेट में आए थे। ऐसे ही अलग अलग जगहों पर ब्लास्ट हुए थे। इतनी बेशर्मी है कि 2013 में समाजवादी पार्टी ने इन सभी आतंकियों के मुकदमों को वापस लेने की शरारत की थी, सभी के मुकदमों को। और अभी एक तो ये उदाहरण है, एक इनके कार्यकाल के दौरान जो आतंकी घटनाएं घटित हुई, दूसरा उन आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने की शरारत, और तीसरा अहमदाबाद में जो सीरियल ब्लास्ट हुए थे जिनके आतंकियों को फांसी की सजा हुई है, और उस फांसी की सजा प्राप्त एक आतंकी का परिवार समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ है। देखिए, वह न केवल अहमदाबाद की घटना के लिए बल्कि दिल्ली की बटाला हाउस की घटना जब हुई थी, तो बटाला हाउस की घटना के मामले में आपने देखा होगा कि वही आतंकी जो मोहम्मद सैफ है, उसका एक भाई वहां की घटना के लिए जिम्मेदार था और वह बाद में सीरिया भाग गया। आजमगढ़ से जुड़े हुए लोग, संजरपुर के लोग, यानी इस प्रकार की स्थिति इन लोगों की थी इस पूरे उस मामले में देखेंगे तो। देखिए, 38 लोगों को फांसी हुई, आपने एक ढूंढ के समाजवादी पार्टी वाला निकाल लिया। देखिए, सवाल यह है कि कोई राजनीतिक दल राष्ट्रीय सुरक्षा को दरकिनार करते हुए अपने वोट बैंक राष्ट्रीय सुरक्षा की कीमत पर बनाना चाहता होगा तो मुझे लगता है इस देश को इसको स्वीकार नहीं करना चाहिए, कभी नहीं स्वीकार करना चाहिए। राजनीति हो जाएगी, देश रहेगा तो राजनीति भी हो जाएगी, लेकिन हम देश की कीमत पर राजनीति करने का कभी कोई भी इस प्रकार का कृत्य न करें कि जो देश की कीमत पर राजनीति। योगी जी, कुछ ऐसे इल्जाम हैं जो आप लगाते हैं, ऐसे सवाल है जो आप पूछते हैं, जैसे आप कहते हैं कि परिवारवादी लोगों का राशन खा गए। अब कौन खा गया, किसका राशन खा गया? देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं सांसद गोरखपुर से था, स्वाभाविक रूप से गोरखपुर की जनता के प्रति तो मेरी जवाबदेही थी। दिसंबर 16 में और जनवरी 17 में उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में भूख से मौतें हुई थी। मैं गया था वहां पे, कुशीनगर में मैं गया था, इधर आपके सोनभद्र आदि में भी मौतें हुई थी। आप आश्चर्य करेंगे कि मैंने 2004 से लेकर के 7 के बीच में कुशीनगर में जब मैं गया था 17 में विजिट करने के लिए, जो भूख से मौतें हुई थी, मेरा जो विजिट था वो कोई राजनीतिक नहीं था, लेकिन एक संवेदना थी कि भाई भूख से कैसे इस समय मौतें हो सकती हैं, और एक सन्यासी एक योगी के नाते भी मेरा दायित्व तो बनता था कि मानवता के कल्याण के लिए मैं स्वयं वहां पे लोगों के बीच में काम करूं। मैं कुशीनगर गया, मैं देख के ताजुब कर रहा था, मैंने कहा भी इन घरों में तो मैंने 7-4 से लेकर के 7 के बीच में भी विजिट किया था, मैं आया था उस दौरान यहाँ पे। उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा सबके राशन कार्ड बनवाए गए थे,
कहा हाँ। तो मैंने कहा फिर इनको राशन नहीं मिलता है? मैंने ही पूछा, देखिए जनवरी 17 की बात है। तो कहा साहब राशन का कार्ड इनका सब जब्त कर दिया गया है, और मुसर जाति की एक बड़ी आबादी कुशीनगर जिले में है, वे सभी की हालत बड़ी खराब थी। ऐसे ही सोनभद्र जिले में था। मैं एक दिन जब चुनाव चल रहे थे उस समय 17 में फरवरी में, दिल्ली से रूटीन फ्लाइट से मैं लखनऊ आ रहा था, मेरा कार्यक्रम लगा हुआ था चुनाव का, तो एक सज्जन मेरे बगल में बैठे, तो मैं बैठा हुआ था, एक अखबार देख रहा था। तब तक सज्जन ने अपना परिचय मुझे दिया कि साहब मैं उत्तर प्रदेश का खाद्य सचिव हूँ। तो मैंने हालचाल लिया उसका। हालचाल लेने के बाद फिर मैंने कहा भी यूपी में कुछ जनपदों में भूख से मौतें हो रही हैं, आपको इसको दिखाना चाहिए। उन्होंने कहा नहीं साहब कोई मौतें नहीं। मैंने कहा देखो मैं विजिट किया हूँ दो जगह तो, और आपको इसको जो है गंभीरता से लेना चाहिए। उन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है, जबकि हम लोगों ने राशन कार्ड उनके बनवाए थे। मुझे ही जब मुख्यमंत्री बनाया गया, जब मैंने शपथ लिया, शपथ लेने का मैंने सबसे पहला आदेश किया था, मैंने कहा प्रदेश के अंदर जितने राशन कार्ड हैं एक दिन में सभी कोटों में, कोटे की दुकानों में एक दिन एक साथ एक समय छापा मारो, और ये देखो कि इनके पास कितने फेक, 40 लाख फेक राशन कार्ड थे जो गरीबों के थे लेकिन उनके यहाँ थे। फिर जिनके यहाँ ज्यादा मिले हमने कार्रवाई की। फिर मैंने एक अभियान चलाया पूरे प्रदेश के अंदर, और 125 करोड़ से अधिक लोगों के राशन कार्ड फिर से बनवाए, नए राशन कार्ड बनाए। देखिए हर महामारी का एक वो रहा है कि जितने लोग बीमारी से मरते थे उससे कई गुना मौतें भूख से होती थी। आज मैं कह सकता हूं कोरोना कालखंड में या 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में भूख से कोई मौत नहीं हुई है, कोई मौत भूख से नहीं हो सकती है। उत्तर प्रदेश आज उस दिशा में आगे बढ़ चुका है। हमारी संवेदना उन गरीबों के प्रति है जिन गरीबों का खाद्यान्न समाजवादी पार्टी की सरकार के समय उनके गुर्गे खा जाते थे। मैं जब कुशीनगर में गया था तो आप आश्चर्य करेंगे, जिस परिवार में मौत हुई थी वो बेचारे एक छोटी सी झोपड़ी में रह रहा था, फूस की टूटी फूटी फूस झोपड़ी। तो मैं उसके वो गया, मैंने कभी कैसे मौत हो गई है आप भूख, मैंने कभी आपका तो राशन कार्ड, मुझे याद है कि राशन कार्ड आपका बनवाया था मैंने उस समय में आया था आंदोलन, मैंने आंदोलन किया था काफी बड़ा आंदोलन कुशीनगर जिले में मैंने किया था उस दौरान। तो कहा साहब हाँ राशन कार्ड बना था लेकिन हमारा राशन कार्ड ले लिया। मैंने कहा कौन ले लिया? तो उसी के बगल में समाजवादी पार्टी के एक पदाधिकारी का घर था। कहा साहब ये लोग ले लिए। तो मैंने कहा ये कैसे ले लिए? मैंने कहा क्या दबंग है आपका? कहाँ, समाजवादी पार्टी का पदाधिकारी है, उनकी सरकार है तो दबंग तो है ही। ये जितना खाद्यान्न घोटाला हुआ है 2005 में बलिया गोंडा और लगभग एक दर्जन जनपदों में हजारों करोड़ रुपए का खाद्यान्न घोटाला हुआ था, समाजवादी पार्टी की सरकार तब भी थी, भूख से तब भी मौत हो रही थी, भूख से 2012 से 17 के बीच में मौत हो रही थी। आज मैं कह सकता हूं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पूरे देश के अंदर सबसे अच्छा, मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं उत्तर प्रदेश का हमारा है। हर गरीब को राशन मिलता है, और भारत सरकार ने जब अपनी टीम भी भेजी सबसे बेहतरीन प्रदर्शन यूपी का था इसमें। मैं अपने अनुभव से भी आपकी इस बात को तो तस्दीक कर सकता हूं, क्योंकि जब लोगों से बात होती है बताते हैं कि महीने में 2 बार राशन बायोमेट्रिक से मिलता है, और वो ये भी बताते हैं कि अगर किसी को शिकायत हो तो एक नंबर है जिस पर फोन करें और तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई होती है। टोल फ्री नंबर है, हमने केवल ई पॉस मशीन ही नहीं लगाई कोटे की दुकान में, उस ई पॉस मशीन को हमने अपने यहां वीडियो वाल से जोड़ा हुआ है। अगर वह यहां से वहां तक भी उस मशीन को लेके कोई जाएगा तो मुझे अलर्ट कर देगा लखनऊ में, और फिर वहां से क्वेरीज होगी भाई क्यों मशीन क्यों हटी, क्या इसमें है। टीम आती है, विजिट करती है, देखती है कहीं कोई छेड़छाड़ तो नहीं हुई है, और हर एक जरूरतमंद को हमने तो यहां तक आदेश किया हुआ है कि अगर कोई गरीब राशन नहीं है तो आप उसको राशन दीजिए, औपचारिकता ही बाद में पूरा कर लेंगे।
कुछ नहीं होता है तो आप मेरे पास भेज दीजिए, मैं दूंगा अपने पास से। लेकिन भूखों को ही नहीं मरना चाहिए, और कोई भूख से मरेगा तो जवाबदेही तय कर ले, तब कर देंगे किसी के भी। ये जब तक जवाबदेही तय नहीं होगी तो गरीबों का राशन ये लोग खा जाते थे सब, आज कैसे मिल रहा है? कोरोना काल खंड में तो यानी भूख से सर्वाधिक मौतें इस समय होनी चाहिए थी, नहीं हुआ। भूख से मौतें नहीं हुई योगी जी, लेकिन ऑक्सीजन की कमी तो थी, हॉस्पिटल में बेड्स की कमी तो थी, और दो महीने तक तराई तराई मची थी। देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है, 10 से 12 दिन ऑक्सीजन की थोड़ी क्राइसिस हुई थी। हाँ मानते हैं ऐसा कि ना हुआ हो, और इसको पैनिक बनाया गया। अगर इसको पैनिक नहीं बनाया गया होता तो हो सकता है कि ऑक्सीजन की जो मौजूदा उपलब्धता थी उसको हम लोग ठीक ढंग से कर देते, लेकिन स्थिति इतनी पैनिक बना दी गई थी कि हर व्यक्ति स्टोर करने लग गया अपने पास। जिसको ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं थी वह भी सिलेंडर अपने घर में रख रहा था। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने एयरफोर्स के विमानों का इस्तेमाल उस समय ऑक्सीजन के लाने ले जाने में, और स्पेशल ऑक्सीजन स्पेशल ट्रेन चला करके ऑक्सीजन की आपूर्ति यूपी के अंदर भी और देश के अंदर भी करवाई। और आज उत्तर प्रदेश ऑक्सीजन की आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त कर चुका है। आप कहें अब अगर ऐसी भगवान ना करे परिस्थिति आ जाए तो? देखिए हमारे पास, हमने पिछले एक वर्ष के अंदर, यानी एक वर्ष भी नहीं हुए हैं, अप्रैल में इस प्रकार की स्थिति आई थी, हम लोगों ने इस दौरान 551 ऑक्सीजन प्लांट लगाए हैं यूपी में, और सर्वाधिक ऑक्सीजन प्लांट हैं ये। इसमें पीएम केयर से भी हमें मिले, सीएसआर से मिले, हमने स्टेट से भी फंडिंग करके ऑक्सीजन प्लांट लगाए हैं, और आज मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश का हर जनपद ऑक्सीजन के मामले में आत्मनिर्भर हो चुका है, अब कहीं कोई इस प्रकार की क्राइसिस नहीं आएगी। योगी जी कोरोना मैनेजमेंट आपने बताया, राशन है, पिछली बार हमने बात की थी तो फ्री गैस कनेक्शन उज्ज्वला के जरिए लोगों को मिला, लाभार्थियों की संख्या बहुत ज्यादा है, और आजकल मैं रिपोर्ट देख रहा हूं अखबारों में कि उत्तर प्रदेश में लाभार्थियों की संख्या बहुत ज्यादा है और वो योगी जी को वोट देंगे। देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के एजेंडे को, यानी जो लोग अभी भी जातीय अंकगणित में पड़े हुए हैं कि फलाना 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 इतना है, इसको जोड़ करके इतना हो जाएगा तो इसका जो है नुकसान बीजेपी को होगा, मुझे लगता है बीते दिनों की बात है। आज जो है 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के पूरे राजनीतिक एजेंडे को बदल दिया। जो पहले जाति मत मजहब क्षेत्र और भाषा के आधार पर होता था, आज वह विकास, गरीब कल्याण योजनाओं, सुरक्षा, इन सभी मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ा है। किसान हो, युवा हो, महिला हो, या श्रमिक हो, या समाज का कोई भी तबका हो, इन सबके उत्थान के लिए किए गए कार्यों पर केंद्रित होकर के कार्यक्रम आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे लगता है कि कोई तबका ऐसा नहीं होगा जिस तबके के हितों के लिए कार्य न किया गया हो। किसान की शिकायत है ये छुट्टा पशुओं की, खेत में घुस जाते हैं, फसल बर्बाद कर देते हैं, रात रात जागना पड़ता है, और ये बात जाहिर है समाजवादी पार्टी के लोग भी उठा रहे हैं। हम लोगों ने एक संकल्प लिया है, एक कि गौमाता को कटने नहीं देंगे, लेकिन अन्नदाता किसानों की फसल को भी नष्ट नहीं होने देंगे। यानी गौमाता 2017 के पहले अवैध बूचड़खानों के हवाले कर दी जाती थी, वे ले जाते थे, जबरदस्ती खोल के लेके चले जाते थे, तस्करी होती थी। आज मैं कह सकता हूं उत्तर प्रदेश के अंदर न तस्करी हो सकती है और न अवैध बूचड़खाने ही चल सकते हैं, लेकिन हां इनके लिए व्यवस्था होनी चाहिए, और उसके लिए हम लोगों ने प्रयास प्रारंभ किया। 9 लाख गोवंश वर्तमान में हमारे पास है जो सरकारी गौशालाओं में हम देखभाल कर रहे हैं। 1 लाख गोवंश उसमें से ऐसा है जो किसान परिवारों के पास है, जिनको हम 900 रुपये हर गोवंश का हर महीने देते हैं। और मैं तो कहूंगा कि गोमाता की सेवा एक पुण्य का कार्य है, प्राकृतिक खेती के साथ प्रधानमंत्री जी ने इसको जोड़ने और आने वाले समय में घर के ईंधन की समस्या का समाधान करने में भी इसका उपयोग करने जा रहे हैं।
हम लोगों ने सहभागिता योजना के अंतर्गत 1,00,000 गोवंश किसानों को दिया है, जिसमें 900 रुपये हर महीने हम उस परिवार को देते हैं एक गाय का। अगर कोई किसान 4 गाय रखा है तो 3600 रुपये हर महीने हम उस किसान परिवार को उपलब्ध करवाते हैं। और एक तीसरी स्कीम इसमें हम लोगों ने लेके आई है कि हमारे निराश्रित गौ आश्रय स्थल से कोई ब्याही हुई गाय किसी कुपोषित परिवार को देना। इसमें हम गाय भी देते हैं और साथ साथ 900 रुपये भी हर महीने देते हैं, लेकिन हाँ उनका सत्यापन कराते हैं तो गाय देखभाल ठीक हो रही है कि नहीं हो रही है, उसका चारा खिला रहे हैं कि नहीं खिला रहे हैं, सब चीजों को भी हम उसमें देखते हैं। तो इसका व्यापक प्रभाव भी है, लेकिन अभी लेकिन चूक हुई प्लानिंग में, क्योंकि चूक प्लानिंग में चूक नहीं है। देखिए होता क्या है कि जब सरकार इन चीजों को लेकर के कार्य करती है तो एक तबका भी निश्चिंत हो जाता है कि चलिए सरकार तो देख ही रही है तो हम अपने घर से दूध पीकर के छोड़ दें। तो एक तबका ऐसा भी है जो बड़ी होशियारी के साथ ये भी काम कर रहा है, जो पहले घर में पालता था रखता था, उसमें से एक तबका ऐसा भी है जो बीजेपी को नुकसान पहुंचाने के लिए अपने सभी गायों को भी इस समय बाजार में या खेतों में जबरदस्ती छोड़ता है। लेकिन हमने ये भी तय किया है हम इसको इसको एयरटेक कराने जा रहे हैं जिससे कल वो दावा न कर सके, और फिर हम इसको ले जा करके अपनी गौशालाओं के माध्यम से देखभाल भी करेंगे, ऊर्जा के साथ इसको जोड़ेंगे, प्राकृतिक खेती के साथ भी इसको जोड़ रहे हैं, और बहुत अच्छी व्यवस्था आने वाले समय में होगी। देखना उत्तर प्रदेश तो प्रकृति और परमात्मा की असीम कृपा का प्रदेश है, क्या नहीं है यूपी में, सब कुछ है। और उस उत्तर प्रदेश में हम लोग गौमाता की रक्षा भी करेंगे, अन्नदाता किसानों की फसल को भी बचाएंगे और उसको हम प्राकृतिक खेती के साथ जोड़ेंगे। एक एक गाय प्राकृतिक खेती का जो नया कॉन्सेप्ट प्रधानमंत्री जी ने दिया है और यूनियन बजट में उसका स्थान दिया है, एक गाय से एक वर्ष में 30 एकड़ खेती के लिए पर्याप्त केमिकल और फर्टिलाइजर मिल जाएगा। उसमें कोई केमिकल फर्टिलाइजर आपको मार्केट से नहीं खरीदनी पड़ेगी, गाय से ही सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। और उस दिशा में हम लोगों के प्राकृतिक खेती का वो आगे बढ़ने जा रहा है, मुझे लगता है बहुत अच्छे परिणाम इसके सामने आएंगे। आप राशन देते हैं तो अखिलेश जी कह रहे हैं कि राशन के साथ में वो घी भी देंगे, सरसों का तेल भी देंगे। जो रासायनिक खा जाते तो घी देंगे, जो लोग गौ माता को कसाईयों के हवाले करते थे ये घी लाएंगे कहां से, इसे पूछो तो घी क्या किसको बोलते हैं। यानी रिफाइंड तेल हम लोगों ने विपत्ति के समय देना प्रारंभ किया, ये लोग राशन खा जाते थे, हम राशन 2 बार दे रहे हैं। और मैं आभारी हूं प्रधानमंत्री मोदी जी का, पिछले 22 महीनों से 15 करोड़ लोगों को उत्तर प्रदेश के अंदर और देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को वह फ्री में राशन उपलब्ध करवा रहे हैं, और उत्तर प्रदेश सरकार भी उनके साथ जुड़ी हुई है। तो महीने में 2 बार घर गरीब को राशन मिल रहा है, हमने उसमें दाल रिफाइंड तेल और नमक भी जोड़ा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है, आप देखना समाजवादी पार्टी करेगी कैसे, तो उन्हें क्या लूट मच जाएगी, पहले चाचा भतीजा में मारपीट होगी, विवाद होगा, ठेके को लेकर के विवाद होगा। ट्रांसपेरेंसी तो समाजवादी पार्टी के जीन का हिस्सा है ही नहीं। एक और वादा उन्होंने किया है लैपटॉप बांटने का, पिछली बार भी तो बांटे थे इन लोगों ने, कितने नौजवानों को गए थे, 15,00,000 नौजवानों का आया था और मुझे लगता है कुछ ही 1,000 का गया, बाकी सब गायब हो गया। नहीं, उस समय मैंने मुलायम सिंह जी का स्टेटमेंट देखा था, उन्होंने कहा ये लैपटॉप बंद कर दो क्योंकि इसमें लोग योगी जी को और मोदी जी को देखते हैं। तो ठीक ही बात है, देखिए जो देखने लायक होगी लोग वही देखेंगे। उनमें देखने लायक कुछ है ही नहीं तो क्या देखेंगे। देखो एक रजत जी, तो मैं आपको बताऊं, एक अपराधी भी नहीं चाहता कि उसका पुत्र अपराधी हो। ओसामा बिन लादेन भी नहीं चाहता था कि उसका पुत्र आतंकी हो। तो मुझे लगता है कि कोई नहीं चाहता है कि लैपटॉप में उनका पुत्र या उनका पाल्य सुबह सुबह इनकी फोटो देखे, क्योंकि पूरा दिन ही नहीं पूरा वर्ष खराब हो जाएगा, पूरा जीवन खराब हो जाएगा। इसलिए मुलायम सिंह जी सूझबूझ वाले नेता हैं, और इसलिए उन्होंने करहल में जाकर के बहुत अच्छा भाषण भी किया था। उन्होंने कहा कि भाई देखो मैं आया हूं
आप लोग जिसको जिताना चाहो जिता दो। आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी का एक व्यक्ति बोला रे भैया का नाम बोल तो दो। उन्होंने कहा देखो भाई मुझे नहीं जानकारी कौन चुनाव लड़ रहा है। आप सोचो यानी जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हों, प्रत्याशी के पिता हों, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम ना जान रहे हो, भूल जाते हैं वो, पिता पुत्र का नाम ना जान रहे हो, इसी को दुर्गति कहते हैं। इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। और मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी की दुर्गति आ चुकी है। देखिए आपको आपको लंका की वो बात याद आ गई, लंकनी की बात याद आती है कि नहीं आती है? लंकनी ने भी ये बात कही थी, हनुमान जी को ये समझती थी कि छोटा बांदर है, मैं एक बार धमकाऊंगी तो ठीक हो जाएगा। लेकिन जब बजरंगबली ने अपना विराट रूप दिखाया और लंकनी पर एक कायदे से उसको जवाब दिया तो लंकनी ने समझ लिया है, कहा साहब अब मेरा अंतिम समय आ गया है, लंका भी अब जाने वाली है, तो समाजवादी पार्टी की लंका का भी समय आ गया है। जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम ना जान रहा हो और पिता पुत्र का नाम ना जान रहा हो तो समझ लो वह भविष्यवाणी पूरी होने वाली है जो त्रेता युग में हुई थी। तो 10 मार्च को क्या होने वाला है? 80% सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनने वाली है। फीसदी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी सरकार जीतेगी और प्रचंड बहुमत के साथ फिर से सरकार बनाएगी। योगी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इतने व्यस्त समय में से आपने टाइम निकाला, सवालों के जवाब दिए और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद।